हाँ तो दोस्त, आज ईद का चांद रात है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं बारीक से चांद नज़र आ रहा है। चांद देखकर सभी खुशियाँ मना रहे हैं। अब यहाँ से हम चलते हैं मार्केट शॉपिंग के लिए। यहाँ पे कुछ कपड़ा एक्सचेंज करने के लिए आया हूँ, जैसे आप देख पा रहे हैं। हाँ, चेंज करके दे दो। तो गए जी, यहाँ से मैं सामान एक्सचेंज करवा लिया हूँ, तो फिर यहाँ से भी हम जाएंगे सिंगारा स्टोर। तो आसमा सिंगारा स्टोर में हम अभी पहुँच गए हैं। तो गए फ़िलहाल अभी हम आसमा सिंगारा स्टोर में हैं। यहाँ पे हम आए हैं अपना फैमिली का चूड़ी वगैरह ख़रीदने के लिए। तो जैसे देख रहे हैं, इस कलर का हमें चूड़ी लेना है, ये मैचेबल चूड़ी है। बाकी और सामान हमें लेना है, ये कर दिया। तो ये चूड़ी ऑलरेडी मैं ख़रीद लिया हूँ, इसका प्राइस 30 रुपया है। हाँ, तो पैसा मैं यहाँ पे कर दिया हूँ। जो आप देख रहे हैं, ये बच्चे का सूट है। आप अगर चाहेंगे तो यहाँ से आके विजिट कर सकते हैं। फिलहाल कान का बाली लेना था तो यहाँ पे नहीं मिला, इसके लिए हमको जाना होगा दूसरा स्टोर। तो फिलहाल मैं जा रहा हूँ। तो फ्रेंड, फिलहाल अभी हम नूरी जनरल स्टोर में पहुँच चुके हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, काफ़ी सारा टोपी वगैरह, अतर वगैरह है। इतर क्या क्या रेट का है? 20 का है, 40 का है, 100 का है, 80 का है। अच्छा, यहाँ पे अतर, जैसे आप एक मिनट, हम बाइक कैमरा से दिखा रहा हूँ। यहाँ पे जैसे देख पा रहे हैं, ये जो इतर है, इसका प्राइस 20 का है, 40 का है, 100 का है, 80 का है, और ये टोपी वगैरह है। तो गाय, जैसे कि आप देख पा रहे हैं इधर का व्यू, फिलहाल अभी हम नूरी जनरल स्टोर में हैं और यहाँ पे हमको अपना परिवार के लिए कान का बाली लेना है। तो यहाँ पे हम पहुँचे हुए हैं, तो देखना है कि कान का बाली मिल पा रहा है या नहीं। आप मेरा वीडियो पे बने रहें। हाँ, यूट्यूब चैनल मेरा चलता है, ब्लॉग वीडियो है, चैनल है मेरा। इस प्रकार का बाली दिखा रही है मुझे, मेरा घर नवादा है, अंसारी नगर। दूसरा मैं दिखाऊँ? सो फ्रेंड, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, काफ़ी सामान यहाँ पे लेडीज़ का अवेलेबल है, पर मेरा जैसा चॉइस था वो सामान मिल नहीं पाया, तो यहाँ से फिर मैं जा रहा हूँ दूसरा स्टोर। तो मैं अभी दूसरा स्टोर जा रहा हूँ। तो गाइस, फिलहाल अभी हम सानिया सिंगार स्टोर में हैं, जैसे कि ये आप भी देख पा रहे हैं। तो गाइस, जैसे कि आपको पता है, आज रमज़ान का आखिरी दिन है और चांद रात है, तो इस स्टोर में काफ़ी लोग जुटे हुए हैं, काफ़ी भीड़ है, क्योंकि सामान यहाँ पे उचित रेट में मिल जाता है, भीड़ होने का कारण यही है। और मैं इस दुकान का ओनर से मिलाना चाहता हूँ। मामा, थोड़ा आइएगा इधर, ये दुकान का ओनर है। तो आप पहले अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम मोहम्मद इम्तियाज़ है, और हमारे यहाँ हर प्रकार के अच्छे रेट में सब सामान मिल जाता है। मतलब सिंगार स्टोर जी मेरा है। हाँ। और सिंगार स्टोर में जो है सो हर किस्म के लेडीज़ का टोटल सामान हमारे यहाँ मिल जाता है, अच्छे उचित रेट में मिल जाता है। अच्छा अच्छा, हाँ। तो फ्रेंड, जैसे आप ये देख रहे हैं, इसको हमने सेलेक्ट कर लिया है। कितना प्राइस है मामा? हाँ हाँ, तो इसका प्राइस 25 रुपये है। काफ़ी क्यूट है, देखने में सुंदर है, लग रहा है ऐसा कि सोना है। ठीक है, दे दीजिए। तो अब यहाँ से हम जा रहे हैं जूता का दुकान, इन्हीं का दुकान है, जस्ट बगल में है, सेम वही दुकान है। तो इसके लिए हम इस दुकान में आए हैं, सैंडल चप्पल लेने के लिए। तो देखता हूँ कैसा मिल पा रहा है, मेरे वीडियो पे आप बने रहेंगे। तो फ्रेंड, ये चप्पल ना लेकर इस चप्पल को सेलेक्ट किया है, और इसका प्राइस 219 रुपया है, तो इसको हम 200 में ख़रीद रहे हैं। और इधर आप देख पा रहे हैं, फिलहाल दुकान में ये वर्क कर रहे हैं, और छोटा हारे हाय गाय बोलो, हाय वो बोलो, बोल दो हाय वगैरह, बोलो कुछ हो, बोलो ना रे, हाँ बोल दो, बोल दो। देखिए कैसे, देखिए, वेलकम अदीब। तो फिलहाल मैं चप्पल खरीद लिया हूँ, यहाँ से हम चप्पल खरीद लिए हैं। अब यहाँ से हम चलेंगे शर्ट का कॉलर खरीदने के लिए।
तो आप मेरा वीडियो भी बने रहे हैं। तो फिलहाल हम जैसे कि आप यहाँ पे बोर्ड देख रहे हैं, एफ ए टेलरिंग मटेरियल दुकान के पास हम अभी मौजूद हैं और मुझे लेना है शर्ट का कॉलर। तो मेरा वीडियो भी बने रहे हैं, मैं लेकर चलता हूँ दुकान के पास। अस्सलाम वालेकुम। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे दुकान का ओनर काउंटर पे बैठे हुए हैं। सर आपका नाम क्या है? फिरोज आलम। तो शर्ट का कॉलर मिलेगा यहाँ पे? शर्ट का कॉलर मिल जाएगा। 15 नंबर कॉलर दे दीजिए। शर्ट का कॉलर ले लिया हूँ जैसे कि आप देख पा रहे हैं। कितना देना होगा? 5 रुपया। इस कॉलर का प्राइस 5 रुपया है। तो यहाँ पर पैसा मैं पे कर दिया हूँ और बाकी का सामान भी मैं ले चुका हूँ। अब यहाँ से चलता हूँ अपना घर पे। फ्रेंड मैं अब अपना घर आ चुका हूँ। आज के वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और घंटी का बटन दबाकर ऑल ज़रूर कर दें, यही मेरा मेहनत का फल है। तो नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगा ईद का, तब तक के लिए लेता हूँ अलविदा। शुक्रन, शुक्रन बंधु, शुक्रन दोस्त, शुक्रन या हबीबी। बाय बाय।